कागज़ की नाव के अल्फाज मानी देखेंगे। झकुले खाना यानी हलना डुलना लहराना, बचाने वाला इसका दूसरा है, इसका मानी है मुराद अल्लाह ताला इसे बचाने वाला है। हाफिज़ के मानी हिफाजत करने वाला बचाने वाला। बला यानी मुराद बहुत तेज़। दरिया चढ़ा होना मतलब सैलाब आना। थपेड़ा लगना मतलब धक्का लगना। बेड़ा पार करना मतलब नाव को किनारे पर पहुंचाना। अब हम देखेंगे आगे मश्क, एक जुमले में जवाब लिखो। नंबर एक, बच्चे कौन सी नाव चला रहे हैं? तो इसका जवाब है बच्चे कागज़ की नाव चला रहे हैं। नंबर दो, नाव किसके ज़ोर से चल रही है? जवाब है नाव हवा के ज़ोर से चल रही है। नाव को सचमुच बचाने वाला कौन है? इसका जवाब है नाव को सचमुच बचाने वाला खुदा है। तिनके ने आकर क्या किया? तिनके ने आकर इसको छेड़ा। नाव को किसका थपेड़ा लगा? नाव को एक बुलबुले का थपेड़ा लगा। आप देखो बच्चों, जोड़ियाँ लगाओ। नंबर एक, हवा के ज़ोर से, अब जोड़ी लगाना है इसकी, इसके आगे हवा के ज़ोर से लहरा रही है, इसकी जोड़ी आएंगी। बचाने वाला इसका दूसरा है, जोड़ी आएंगी। जहाज़ों का सा इसका हौसला है, इसकी जोड़ी आएंगी। वो एक तिनके ने आकर इसको छेड़ा, ये इसकी जोड़ी आएंगी। तो अब हम आगे देखते हैं सरगर्मी, कागज़ की नाव बनाकर इसे बहते पानी में चलाकर देखो। तो बच्चों, आपको अगर कागज़ की नाव बनाने आती है, अगर नहीं आती है तो आप अपने अम्मी अब्बा से बनाकर उसको, नाव को पानी में चलाकर देखो। आपके घर में या फिर एतराफ़ में कोई पानी की जगह तो वहाँ पर नाव को बहाओ, ठीक है।